हे गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिली फॉर यू। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं टॉप 5 बेस्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं इस टॉप 5 की लिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दी हुई है, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो नंबर 1 पे है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्क्रीन रिकॉर्डर है। जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की है, जिसमें भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, वो सारी वीडियोस जो है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड की गई है। इसमें सारे एडवांस फीचर जो है अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है। इसको यूज़ करना जो है काफ़ी आसान है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है हाई लो मीडियम क्वालिटी भी चूज़ कर सकते हैं। आपको सिलेक्टेड एरिया को कैप्चर करना हो, स्क्रीन शॉट्स लेना हो, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सिलेक्टेड एरिया को, विंडो को या फिर फुल स्क्रीन को। साथ ही अगर आप जो है वेब कैम वगैरह से भी रिकॉर्डिंग करना चाहें साथ में स्क्रीन के साथ साथ, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एडवांस फीचर जैसे कि जूम करना हो रिकॉर्डिंग के दौरान, अगर आपको जूम करना हो तो आप जूम कर सकते हैं। ड्रॉ करना हो, हाईलाइट करना हो, यू नो बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे, शेप ड्रॉ करना हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, एरोज वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारे एडवांस फीचर जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो है एक टास्क का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इतने बजे ऑटोमेटिकली जो है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आप टाइम सेट कर सकते हैं, इतने बजे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए तो वो स्टॉप हो जाएगा। प्लस किसी भी तरह का वाटरमार्क जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा। एडिटिंग के भी फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप जो है यू नो पहले और बाद के पार्ट्स को हटाना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं और ये मेरे लिस्ट पे नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ज़्यादा जो है लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए जाना जाता है। अगर आपको फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे लाइव ब्रॉडकास्ट जाना हो तो आप जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है गेम प्ले वगैरह भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, साथ ही स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेब कैम वगैरह। तो काफ़ी सारे फीचर्स जो है इसमें भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मेन फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि ड्रॉ करना हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, एरोज, ये सब चीज़ आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये जो है GPU रेंडरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे OBS के ऊपर, तो आपको लगेगा कि यार कहाँ आ गए हम, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। आपको जो है पहले हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जब आप यूज़ करने लगोगे तब आपके लिए जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, गेम रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए जो है OBS का यूज़ कर सकते हैं, और ये है मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे। नंबर 3 पे है फ्लैश बैक एक्सप्रेस। ये भी एक फुल पैकेज सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम रिकॉर्डिंग, वेब कैम रिकॉर्डिंग के लिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है आप शेड्यूल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इतना जैसे बजे ऑटोमेटिकली हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाए, और ऑटोमेटिकली इतने बजे हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। उसके साथ ही आप जो है किसी भी एप्लीकेशन के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि गूगल क्रोम जैसे ओपन हो ऑटोमेटिकली हमारा जो है रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाए, तो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को अपना लैपटॉप दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि यू नो वो कौन सा एप्लीकेशन ओपन करता है या उस एप्लीकेशन में वो क्या करता है, तो आप यहाँ पे जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और उसके साथ ही जो है यहाँ पे नो लिमिटेशन, कोई भी वाटरमार्क नहीं है। और अगर आप जो है रिकॉर्डिंग के दौरान नोट्स वगैरह करना चाहें तो आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हो। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो नंबर 3 पे है फ्लैश बैक एक्सप्रेस। नंबर 4 पे है अ पावर सॉफ्ट ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको जो है आप ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे कस्टमाइजेशन के, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली इसका जो है सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, सॉफ्टवेयर में जो वीडियो की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी
ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में है, मैंने मतलब यूट्यूब वगैरह प्ले करके देखा, हाई क्वालिटीज़ में वीडियोस वगैरह प्ले करके देखी, और जब मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे किसी भी तरह की लैगिंग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ जो है किसी भी वीडियो को भी वो बिल्कुल स्मूथली रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल से कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप ऑनलाइन जो है यू नो कोई भी रिकॉर्डिंग लॉन्च करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो नंबर फोर पे है पावर सॉफ्ट ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। नंबर फाइव पे है टीनी टेक। ये एक्चुअली काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें भी जो है आप सिलेक्टेड एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप जो है फुल विंडो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेब कैम रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में जो है स्क्रीन कैप्चर वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पहले आपको साइनअप करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप टीनी टेक को भी ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन घंटा ज़रूर दबा लीजिएगा, इससे आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।